दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है, अपना गौरव है, उसकी रवायत है। उस देश के अंदर क्या विशिष्टताएं हैं ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत हमारा अपना देश, इसकी संस्कृति, इसके इतिहास, इसके गौरव को जानने के लिए हमें जानना होता है इसकी भाषा को, हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा को पढ़ना या जानना मात्र भाषा पढ़ना नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, वहाँ के इतिहास, वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को जानना है। अतः जिस देश में जो व्यक्ति रहता है वह उस भाषा को बोलता है तो उसे फक्र है अपने आप पर और उस देश को उस पर। भाषा को पढ़ना मात्र भाषा जानना नहीं है, बल्कि उस देश की तमाम चीज़ों को, स्थितियों को जानना है। और भाषा न बोलना जिस देश में रहते हैं उस देश की भाषा के साथ ही नहीं, उस देश के साथ भी एक तरह से गद्दारी है। आज के तथाकथित युग में अंग्रेजी भाषा बोलना अपने आप को आधुनिक दिखाने का एक प्रतीक बन गया है, मॉडर्न दिखाने का एक प्रतीक बन गया है, विकास का पैमाना बन गया है, जबकि ये गलत है। भाषा से किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं, आप सबको भी नहीं होगा। जितनी हो सके उतनी भाषा सीखें, लेकिन जिस भाषा में आपने जन्म लिया है, जिस भाषा में आप बड़े हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, सब कुछ इसमें सीखा है आपने, उस भाषा को हितदृष्टि से देखना और उसे न सीखना, उसकी बजाय दूसरी भाषा को विशिष्ट और महान मानना, ये उचित और न्यायिक नहीं है। और हिंदी जो कि भारत की मातृभाषा है, बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा बोली जाती है, उसके प्रति तो विशेष लगाव हमारा होना ही चाहिए। दोस्तों, हिंदी को जानना मात्र भाषा को जानना नहीं है, बल्कि भारत के पूर्व के इतिहास को जानना है, हम क्या थे। इस भाषा की और भी कलाएं हैं, और भी इसका कौशल है, और भी इसकी विशिष्टताएं हैं, वो सब हम जानेंगे। हम इस चैनल के माध्यम से, हिंदी की बिंदी चैनल के माध्यम से, आपको हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य की विशिष्ट तथ्यात्मक व्याकरणविद, भाषाविद, साहित्यिक जानकारियां देंगे। और भी विशिष्ट जानकारियां हर वीडियो में उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप चाहे अकेडमिक रूप से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि शिक्षक के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए, या कॉलेज लेक्चरर के लिए, या यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, या आईएएस आरएएस की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कनिष्ठ वरिष्ठ लिपिक की परीक्षा के लिए, पटवार परीक्षा के लिए, अर्थात जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो। आजकल हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, सिलेबस होता है, तो उन सभी की तमाम तरह की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। यदि आप ये जानकारियाँ चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए। और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हिंदी की भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य को आप जानेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए ज्ञानवर्धक ही नहीं, बल्कि किसी हद तक जीवनवर्धक भी होंगी, ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए, हम नए नए वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे। धन्यवाद।